good morning students today i am going to start this chapter for a standard 12 bihar board that is indian civilization and culture by mahatma gandhi we all know that this chapter is very very important from examination point of view this is important from examination point of view but it is important from the understanding of द फिलासफीज ऑफ लाइफ ऑल्सो जीवन के मूल्यों को समझने के दृष्टिकोण से भी यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है इन दिस चैप्टर यू विल फाइंड द फिलॉसफी गिवेन बाय महात्मा गांधी अबाउट ह्यूमन लाइफ व्हाट शुड बी द राइट अप्रोच टू द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ जीवन जीने की कला कैसी होनी चाहिए वे ऑफ लाइफ कैसा होना चाहिए अबाउट दिस दिस चैप्टर इज़ सो महात्मा गांधी फिलासफ़ी इज अबाउट सिंप्लिसिटी जीवन जीने की दो तरह की कला होती है एक तो वो है कि कर लो दुनिया मुठ्ठी में इसके फेर में पड़ी हुई दुनिया हम लोग दौड़ रहे हैं यहाँ से वहाँ प्लेन से आज लंदन में खाना खाए और दिल्ली में आ कर के ये काम किए वो काम किए सवाल यह है कि क्या ये दौड़ धूप की ज़िंदगी से मनुष्य के जीवन में सुकून आने वाला है महात्मा गांधी बोले थे कि प्रकृति का दोहन इसी सीमा तक करना चाहिए हमें कि जिससे हमारी ज़रूरतें पूरी हों मनुष्य की इच्छाएं अनलिमिटेड हैं अनलिमिटेड इच्छाओं की कोई सीमा नहीं है यू कांट फुलफ़िल देम ऑल हाँ नीड को फुलफिल करना संभव है ज़रूरत की चीज़ें आप प्रकृति से पा सकते हो लेकिन आप अगर उसको वासनात्मक दृष्टिकोण से देखेंगे आपकी इच्छाएं अगर विलासिता के लेवल तक पहुंच जाएंगी तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द नेचर टू फुलफिल योर विशेज सो यू विल हैव टू कंट्रोल योर सेल्फ संयमित जीवन शैली इसकी वकालत हमारे बापू महात्मा गांधी ने की थी और आज के ज़माने में जब हम लोग इस समय एक कोरोना के एज में हैं तो इस समय महसूस हो रहा है कि सोशल दूरी जो है सामाजिक अलगाव ये कितना जरूरी है मतलब मनुष्य का जीवन नियंत्रित होना चाहिए मनुष्य को अपने भरोसे होना चाहिए जब ऐसी महामारी फैल जाती है जब बड़ी बड़ी आपत्तियाँ आती हैं आपदाएँ आती हैं प्रॉब्लम्स कम इन आवर लाइव देन वी गो टू द कंपनी ऑफ द थाट्स गिवेन बाई आवर ग्रेट फिलासफर्स लाइक महात्मा गांधी मनुष्य के जीवन में जब समस्याओं के पहाड़ टूटते हैं आते हैं तब मनुष्य को अपने महान विचारों के प्रति ताकने झांकने की आवश्यकता होती है सो टूडे आई हैव स्टार्टेड दिस चैप्टर बिकॉज आई फील दैट द फिलोसफी गिवेन बाई महात्मा गांधी द वे ऑफ लाइफ प्रीच्ड बाई महात्मा गांधी इज क्वाइट एप्लीकेबल दीज डेज आज के दिनों में उनकी प्रासंगिकता बहुत ज़्यादा समीचीन मालूम पड़ती है तो हम लोग देखते हैं चैप्टर में क्या है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर भारतीय सभ्यता और संस्कृति के विषय में महात्मा गांधी ने इस चैप्टर को लिखा है तो इसको हाईलाइट करते हैं और देखते हैं इसमें है क्या तो वी ऑल नो अबाउट महात्मा गांधी हुई ही वाज व्हाट वाज हिज लाइफ स्टाइल वी ऑल नो मोहनदास करमचंद गांधी 1869 में उनका बर्थ हुआ सबको पता है 1948 ही डायड पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन वाज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर दैन ए पॉलिटिशियन महात्मा गांधी जितने बड़े राजनेता थे उससे ज़्यादा ऊँचा उनका कद था स्पिरिचुअल लीडर के रूप में आध्यात्मिक नेता वाला उनका व्यक्तित्व एक राजनेता से कहीं ऊँचा था ही सक्सेसफुली यूज ट्रूथ एंड नन वायोलेंस एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड हेल्पड इंडियन इंडिया गेन इंडिपेंडेंस उन्होंने भारत को आज़ादी दिलवाई ब्रिटिश राजसत्ता के खिलाफ अहिंसा और सत्य को उन्होंने हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया फ्रॉम नाइनटीन फिफ्टीन टिल नाइनटीन फोर्टी एट ही कम्प्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम नाइनटीन फिफ्टीन टू नाइनटीन फोर्टी एट he completely dominated indian political scene he died at the hands of a fanatic on 30th june 1948 his autobiography my experiments with truth and the numerous articles that he wrote for young india and the speeches that he delivered on different occasions reveal him not only as an original thinker बट ऑल्सो एज ए ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट इडियोमेटिक इंग्लिश ये जो विचार उन्होंने लिखे थे यंग इंडिया में माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ के नाम से ये किताब उनकी तो इसमें उन्होंने ये साबित किया कि उनकी पकड़ अंग्रेजी भाषा पर भी बहुत अच्छी थी तो वो महान थिंकर तो थे ही ओरिजिनल थिंकर थे बापू बापूज फिलासफी इज नॉट द फोटो ऑफ एनी वंस हिज फिलासफी वॉज कम्प्लीटली हिज ओन ओरिजिनल एंड क्वाइट फिटेबल क्वाइट फिटिंग सुटेबल टू द्राउंड विच वी फाइंड इन आवर कंट्री हमारे देश के हिसाब से उनकी सोच एकदम सही थी हमारे राजनीतिक लोगों ने नेताओं ने सरकारों ने उनकी बातों को तरजीह नहीं दी स्वीकार नहीं किया आज की जो शासन प्रणाली है वो भले ही गांधी के नाम को हाईलाइट करती हो लेकिन उनके जो आर्थिक सिद्धांत थे उसको यहाँ के सरकारों ने स्वीकार नहीं किया उस रूप में अपनी बुद्धि यहाँ के लोगों ने लगाई और उसका फल आज आज आप देखते हैं जहाँ भारत को पहुँचना चाहिए था वहाँ भारत नहीं है तो ये कहीं ना कहीं इस बात को हम लोग स्वीकार करेंगे करना चाहिए कि अगर गांधी की नीतियों को पूरा का पूरा माना गया होता तो आज भारत कहीं इससे आगे होता जहाँ वो है खैर ये आंसू बहाने का एज नहीं है हमें देखना है कि आज हम जहाँ हैं वहाँ पर बापू के सिद्धांत कहाँ तक ठीक बैठते हैं फॉर दैट दिस चैप्टर इज बिफोर यू गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन बापू का विश्वास भारत की सभ्यता में है विच हैज सक्सेसफुली विथ स्टूड द पैसेज ऑफ टाइम भारत की महान सभ्यता सब समय के प्रवाह के साथ मजबूत होती गई ये कभी समाप्त नहीं हुई द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज द टेंडेंसी टू प्रीविलेज मटेरियलिटी कैनॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन दैट एलिवेट्स द बिंग बापू की का जो सिद्धांत है वो भारत के उस महान सभ्यता के उस सिद्धांत पर आधारित है जिसमें मनुष्य जीवन में नैतिकता मोरलिटी को स्वीकार किया गया है पश्चिम के मशीनीकरण गैर नैतिक जीवन के ऊपर मतलब इस चैप्टर में आपको ये मिलेगा यू विल फाइंड इन दिस चैप्टर दैट वेस्टर्न कल्चर हैज़ बीन हाईलाइटेड हियर एज ई बिलीविंग ओनली इन मटेरियलिज्म ओनली इन मटेरियलिज्म मीन्स भौतिकता उपभोक्तावाद के पीछे भागती हुई पश्चिम सभ्यता विकास के आवरण को तो ओढ़ लेता है लेकिन क्या मनुष्य का जीवन पूर्णतः सुरक्षित उसमें है आज जब ये कोरोना की महामारी फैली है तो क्या बापू का यह साहित्य बापू की सोच सही साबित नहीं होती है आप इसको गौर से सोचेंगे यू आर स्टूडेंट्स तो यू विल फाइंड आउट श्योरली दैट टुडे वी मस्ट हैव एक्सेप्टेड द फिलोसफी गिवेन बाई महात्मा गांधी दिन आवर कंट्री मस्ट हैव बीन इन ए बेटर स्टेट सो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर आई बिलीव बापू इज राइटिंग हियर द चैप्टर स्टार्ट फ्रॉम हियर आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटेन इन द वर्ल्ड गांधी जी बोले कि मेरा विचार यह है कि भारत की जो सभ्यता है वह दुनिया में किसी से पीछे नहीं है नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाई आवर एंसेस्टर्स हमारे पूर्वजों ने जो बीज बोया है महानता का नैतिकता का वह कहीं से भी नष्ट होने वाला नहीं है रोमवेंट रोम की सभ्यता नष्ट हो गई ग्रीस शेयर्ड द सेम फेट ग्रीस का भी वही हाल हुआ द माइट ऑफ द फराउज वाज़ ब्रोकेन फराओ का जो माँ की जो महानता थी वो समय बीतने के साथ नष्ट हो गई जापान हैज़ बिकम वेस्टर्नाइज जापान का पश्चिमीकरण हुआ ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड चाइना के विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता है बट इंडिया इज स्टिल सम हाउ और अदर साउंड एट द फाउंडेशन इंडिया की जो सभ्यता है सिविलाइजेशन ऑफ आवर कंट्री इज स्टिल सेफ द पीपल ऑफ़ यूरोप लर्न देयर लेसन्स फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मेन ऑफ ग्रीस और रोम विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन दियर फॉर्मर ग्लोरी पश्चिम के लोग यूरोप के लोग ग्रीस और रोम की सभ्यता से अपनी प्रेरणा लेते हैं जो आज कहीं नहीं है इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम द यूरोपियंस इमेजिन दैट दे विल avoid द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीस एंड रोम सच is their pitiable कंडीशन आज यूरोप वाले महसूस करते हैं कि ग्रीस और रोम की सभ्यता में जो कमियां थीं, उसे हम दूर करेंगे तो ऐसी ऐसी सभ्यता प्राप्त करना ऐसा ज्ञान जिसमें लगातार सुधार की आवश्यकता हो वह किस काम का है इन द मिस्ट ऑफ ऑल दिस इंडिया रिमेन्स इमोवेबल इमोवेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी हर ग्लोरी इट इज इट इज ए चार्ज इट इज ए चार्ज अगेंस्ट इंडिया दैट हर पीपल आर सो अनसिविलाइज पीपल आर अनसिविलाइज इग्नोरेंट एंड स्टॉलिड ये इंडिया के विषय में चार्ज है कि यहाँ के लोग अनसिविलाइज हैं अनसिविलाइज माने जाते हैं पश्चिम के लोग कहते हैं कि भारत के लोग अनसिविलाइज होते हैं कहने के लिए मुंह किसी का फ्री है जिसके मन में जो आवे से बोल सकता है इग्नोरेंट अनस्टॉलिज भारत की जो जनता है असभ्य है मूर्ख है उसको सुधार करना संभव नहीं है दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस देम टू एडॉप्ट एनी चेंजेज उनको उनमें सुधार करना संभव नहीं है इट इज़ ए चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मैरिट वॉट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस हम लोगों ने अनुभव से जो सीखा है उसके आधार पर वी डेयर नॉट चेंज हमें बदलने की कोई ज़रूरत भी नहीं है मैनी थ्रस्ट देयर एडवाइस अपऑन इंडिया भारत के विषय में बहुत सारे लोगों ने आक्रमण किया सुझाव दिया लेकिन कुछ इसमें हो नहीं पाया भारत की सभ्यता जहाँ की तहाँ आज भी कायम है रिमेंस स्टडी आज भी वाह स्टडी है कायम है दिस इज हर ब्यूटी इट इज़ द शीट एंकर ऑफ आवर होप यही हमारी उम्मीद की आशा की किरण है सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी सिविलाइजेशन सभ्यता सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी सभ्यता से हम लोग अपने कर्तव्यों की पहचान करते हैं परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी आर कन्वर्टेबल टर्म्स ये परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए शब्द हैं कर्तव्य प्राजनता नैतिकता के साथ ये दोनों एक दूसरे से मिले जुले शब्द हैं एक दूसरे के बगैर इनका अर्थ संपूर्ण नहीं होता है टू ऑब्जर्व मोरलिटी इज टू मेन्टेन टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड्स एंड आवर पैस सो डूइंग वी नो आवर सेल्व द गुजराती इक्वैलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट गुजराती भाषा में सभ्यता का मतलब गुड कंडक्ट होता है अच्छा आचरण अच्छा बिहेवियर ही मतलब है सभ्यता का सभ्य आदमी है तो अच्छा आचरण करेगा ये बापू बोले गुजराती भाषा में लेकिन मोर और लेस पूरे देश में ये समझा जाता है कि सभी आदमी का आचरण अच्छा होता है इन इफ दिस डिफिनेशन बी करेक्ट देन इंडिया एज सो मैनी राइटर्स हैव शोन हैज नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनी बडी एल्स एंड दिस इज एज इट शुड बी तो अगर ये भाषा ये परिभाषा है सभ्यता की तो भारत को किसी से कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है इस मामले में भारत देश की सभ्यता महान है महान थी वी नोटिस दैट द माइंड इज रेस्टलेस बर्ड द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स ये माना जाता है समझने की बात है कि माइंड क्या है इंसान का तो बेचैन पक्षी की तरह है जितना उसको मिलता है उतना ही पाने के लिए वह व्याकुल हो उठता है एंड स्टील रीमैंस अनसेटिस्फाइड और उसके बाद भी वह असंतुष्ट रहता है द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैसंस द मोर अनब्रेडल अनब्राइडल दे बिकम तो जितना ही हम लोग अपनी भावनाओं को अपनी इच्छाओं को खुला छोड़ेंगे उतना ही वे बेलगाम होती जाती हैं आवर एंसेस्टर्स दे आर फॉर सेट ए लिमिट टू आवर इंटेलिजेंसेज इसलिए हमारे पूर्वजों ने हमें समझाया कि हमें निष्काम कर्म करना चाहिए हमें काम करते हुए भी उसमें डूबने की आवश्यकता नहीं है अपने ऊपर इच्छाओं को हावी होने देने की जरूरत नहीं है दे सॉ दैट हैप्पीनेस वॉज लार्जली ये मेंटल कंडीशन ये हैप्पीनेस क्या है तो मानसिक अनुभूति होती है ए मैन इज नॉट नेसेसरीली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच और अनहैप्पी बिकॉज ही इज़ पुअर मनुष्य इस बात से दुखी नहीं होता है कि वो गरीब है या इस बात से खुश नहीं हो सकता है कि वह रिच है अमीर है द रिच आर ऑफेन सीन टू बी अनहैप्पी अमीर लोग भी दुखी होते हैं द पुअर टू बी हैप्पी और गरीब भी खुश होते हैं मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर इन्सेस्टर्स अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर्स इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर हमारे पूर्वजों ने हमें बताया की विलासिता और आनंद की वस्तु से व्यक्ति को दूर रहना चाहिए संतुष्ट जीवन जीने के लिए लग्जरियस और प्लीजर के पीछे भागने की जरूरत नहीं है वी हैव मैनेज विथ द सेम काइंड ऑफ प्लो एज एग्जिस्ट थाउजेंड्स ऑफ ईयरस एगो इतने हज़ारों साल से पहले से जिस हल से जुताई होती थी आज भी हमारी सभ्यता में उस हल का महत्व तो कहीं ना कहीं जहाँ करता एज इट इज कायम है वी हैव रिटेन द सेम काइंड ऑफ कॉटेजेज दैट वी हैड इन फॉर्मर टाइम्स एंड आवर इंडिजीनियस एजुकेशन डिमेंस द सेम एज बी फोर और वह झोंपड़ियाँ जो पहले थी हजारों साल पहले किसी न किसी रूप में वो सेम रूप में ग्रामीण गाँव में देहातों में कहीं ना कहीं उसके दर्शन आज भी होते हैं वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ इ करोडिंग कम्पिटिशन हम लोग कम्पिटिशन में जीने वाले लोग नहीं रहे हैं इच फॉलोड हिज ओन ऑक्युपेशन और ट्रेड एंड चार्ज रेगुलर वेज सब लोग अपने अपने तरह से अपने कार्य करते थे और उसकी मजदूरी उन्हें मिलती थी इट वॉज़ नॉट दैट वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी हम लोग मशीन बनाने के पीछे नहीं भागे बट आवर फोर फादर्स न्यू दैट इफ वी सेट आवर हार्ट्स आफ्टर सच थिंग्स वी वुड बिकम स्लेब्स एंड लूज आवर मोरल फाइबर हमारे पूर्वजों को पता था कि अगर मशीनों के पीछे आंख मूद कर भागेंगे तो नैतिकता हमारी इससे नष्ट हो जाएगी दे देयर फोर आफ्टर ड्यू डेली डिसाइडेड दैट वी शुड ओनली डू व्हाट वी शुड विथ आवर हैंड्स एंड फीट इसलिए हमारे पूर्वजों ने विकास के लिए उन पैमानों को स्वीकार किया जिनमें हाथ और पैर का इस्तेमाल होता हो दे सॉ दैट आवर रियल हैप्पीनेस एंड हेल्थ कंसिस्टेड इन ए प्रॉपर यूज ऑफ आवर हैंड्स एंड फीट उनको लगा कि स्वास्थ्य और खुशी इन्हीं हाथ और पैरों के इस्तेमाल से ही संभव है ऐसा ज्ञान ऐसी पढ़ाई ऐसी शिक्षा व्यवस्था से व्यक्ति के जीवन में दुख ही दुख आएगा अगर वह आपको हाथ और पैर को हिलाने का परमिशन नहीं देता हो दे फॉर द रीजन दैट लार्ज सिटीज वेयर ए स्नेयर एंड यूजलेस इनकम्बरेंस एंड दैट पीपल वुड नॉट बी हैप्पी इन देम हमारी सभ्यता के लोगों का विश्वास था कि बड़े बड़े शहर आपको नफरत ही देंगे दुख ही देंगे वहाँ हैप्पीनेस की संभावना कम है दैट देर वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स एंड रॉबर्स वहाँ चोर चोर ज़्यादा होंगे डकैत होंगे प्रोस्टिट्यूशन होगी विषयावृत्ति होगी एन भाइस फ्लोरिसिंग इन देम वहाँ पाप बढ़ेंगे एंड दैट पुअर मैन वुड बी रॉब्ड बाई रिच मैन वहाँ अमीर गरीब का शोषण करेंगे दे वे आर दे आर फोर सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेजेज इसीलिए वे छोटे छोटे गांवों से संतुष्ट थे दे सॉ दैट थिंग्स एंड दे आर सोर्स वे आर दे सॉ दैट दैट किंग्स एंड दे आर सोर्स वे आर इन्फेरियर टू द सोर्ड ऑफ एथिक्स एंड दे दे आर फोर हेल्प द सॉवरेंस ऑफ द अर्थ टू बी इन्फेरियर टू द रिशीज एंड फ़कीर्स तो बड़े बड़े राजाओं के की तलवारों में उनकी सत्ताओं में वो ताकत नहीं थी जो ज्ञान में थी इसलिए हमारे पूर्वजों ने हमारे राजा महाराजाओं ने ऋषियों को अपने से ज़्यादा बड़ा माना ऋषि एंड फकीर्स वी आर टू बी मोर पावरफुल दैन द किंग्स ए नेशन विथ ए कंस्टीट्यूशन लाइक दिस इज़ फिटर टू टीच अदर्स देन टू लर्न फ्रॉम अदर्स तो ए नेशन विथ ए कंस्टिट्यूशन लाइक दिस इज फिटर टू टीच अदर्स दैन टू लर्न फ्रॉम अदर्स ऐसी सोच वाला देश किसी को पढ़ा सकता है वो किसी से पढ़ नहीं सकता है क्योंकि पढ़ाने के लिए ऐसे ही ऐसे ही सभ्यता में कुछ है एवरीबडी न्यू दैट दीज प्रोफेशंस वे आर नॉट पर्टिकुलरली सुपेरियर ये जो कार्य थे ये सुपीरियर नहीं थे मोर ओवर दीज वकील्स एंड वेड्स डिड नॉट रॉफ पीपुल ये लोग जो थे ये लोगों को लूटते नहीं थे दे वेअर कंसिडर्ड पीपुल्स डिपेंडेंट्स, नॉट दे आर मास्टर्स ये लोग जो थे भारतीय सभ्यता के सुपर ये लोग तो ये किसी को लूटते नहीं थे ये एक दूसरे पर डिपेंड करते थे परस्पर एक दूसरे को सहयोग करते थे डिपेंड करते थे उनके ऊपर इस प्रकार से उनके मास्टर नहीं बन जाते थे तो पूरी भारतीय समाज भारतीय सभ्यता में एक दूसरे के सहयोग से जीवन की जीने की कला थी जस्टिस वॉज टॉलरेबली फेयर न्याय था वहाँ पर फेयर न्याय फेयर जस्टिस द ऑर्डिनरी रूल वाज टू अवॉइड कोर्ट्स ऑर्डिनरी रूल ये था कि कोर्ट से बचो झगड़ों से बचो दे आर वे नो डाउट्स टू ल्योर पीपुल इन डेम इन टू देम वहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि लोग आँख मूंद करके कोर्ट की तरफ ही जाए पंचायतों में फैसले होते थे दिस इविल टू वाज नोटिसबली ओनली इन एंड अराउंड कैपिटल्स ये इस तरह से न्याय के लिए भी फंसाना और उनका शोषण करना इस शहरों के आसपास ही ज़्यादा पाए जाते हैं द कॉमन पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन आम आदमी स्वतंत्रता के साथ जीता था और खेती संबंधी अपना कार्य करता था दे इंजॉयड ट्रू होम रूल इसको बोलते हैं रियली होम रूल ये महात्मा गांधी ने होम रूल का डिफिनेशन बताया कि जो भी साधन है आपके पास उसी से अपनी जीविका का निर्वहन करना दिस इज कॉल्ड रियल मीनिंग ऑफ होम रूल तो इस चैप्टर में हम लोगों ने होम रूल का भी मीनिंग पढ़ा अकॉर्डिंग टू बापू द इंडियन सिविलाइजेशन एज डिस्क्राइब्ड बाय मीन हैज बीन सो डिस्क्राइब्ड बाय इट्स वोटर इस प्रकार से भारतीय सभ्यता के समर्थक जो होते हैं ये सारा कुछ इसके विषय में बोलते हैं इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड अंडर नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मैन अटेन परफेक्शन किसी भी सभ्यता में किसी भी देश में कि हर चीज हर व्यक्ति को नहीं मिला है द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन टू एलिवेट द मोरल बींग दैट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज टू प्रोपेगेट इमोरेटी भारतीय सभ्यता मनुष्य के अंदर नैतिकता की दुहाई देती है नैतिकता के साथ जीवन जीने की कला ही अच्छी कला है वाइल वेस्टर्न कल्चर इज प्रोपेगेटिंग एक्सपेंडिंग द आइडिया ऑफ इमोरैलिटी ओनली अर्निंग मनी ओनली अर्निंग वेल्थ इज द मेन एम ऑफ वेस्टर्नाइज पीपल द लेटर इज गॉडलेस तो ये क्या है कि वो गॉडलेस है द फॉर्म इज बेस्ड ऑन ए बिलीफ इन गॉड तो जो सीधे मटेरियलिस्टिक थिंग्स को ही आधार मानते हैं आप उनको कह सकते हैं कि उनको भगवान में भरोसा नहीं है जबकि भारतीय सभ्यता जो हर इंसान में जीव का दर्शन हर जीव में गॉड का दर्शन करती है वह महान है उसको ईश्वर पर भरोसा है सो अंडरस्टैंडिंग एंड सो बिलीविंग इट होप्स एवरी लवर ऑफ इंडिया टू क्लिंग टू द ओल्ड सिविलाइजेशन इवन एज ए चाइल्ड क्लिंग्स टू द मदर्स ब्रेस्ट इसीलिए हर वह व्यक्ति जो भारत की सभ्यता को समझता है इसकी आत्मा को समझता है वो इसकी सभ्यता से चिपका रहता है ऐसे ही जैसे कोई बच्चा अपनी माँ की छाती से चिपका रहता है आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट इसका मतलब ये नहीं है कि आई एम हेटिंग वेस्ट मैं पश्चिमी सभ्यता से नफरत करता हूँ ये नहीं आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मेनी अ थिंग आई हैव लर्न फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर मैं पश्चिमी सभ्यता से पश्चिमी साहित्य से बहुत कुछ सीखा हूँ इसके लिए आई एम गिविंग देम थैंक यू बट आई एम थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन फॉर टीचिंग मी दैट इफ आई वॉन्ट इंडिया टू राइज To its fullest height, I must tell my countrymen frankly that after years and years of experience of modern civilization, I have learned one lesson from it, and that is that we must shun it all cost. ये आधुनिक शिक्षा में मैंने ये सीखा कि अगर भारत की सभ्यता को महान बनाना है तो हर कीमत पर इसको पश्चिम के इफेक्ट से प्रभाव से मॉडर्नाइजेशन के प्रभाव से इसको मशीनीकरण के प्रभाव से इसको सेफ करना पड़ेगा द व्हाट इज दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन नाउ इन लाइन नंबर एलेवन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट इज कॉल्ड मॉडर्न सिविलाइजेशन ये मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या होता है इसकी बात करते हैं इट इज वर्शिप ऑफ द मटेरियल मॉडर्न सिविलाइजेशन इज वर्शिपिंग मटेरियलिज्म वस्तुवाद उपभोक्तावाद इट इज द पदार्थवाद इट इज़ द वर्शिप ऑफ द ब्रूटे इनास यह अपने अंदर की जो भूख है जो जानवर है उसको स्वीकार करना है जो पशुता हमारे अंदर है अनसिविलाइज जो फीलिंग है उसको एक्सेप्ट करना है कि मनुष्य की हर इच्छा को पूर्ण करो उसको इतना इच्छावान बना दो कि वह लगातार ज़्यादा से ज़्यादा पाने की सोचे कर लो दुनिया मुट्ठी में ये विचार उसके अंदर हावी हो जाता है इट इज़ अनएडल्टरेटेड मटेरियलिज्म यह अनियंत्रित ये मटेरियलिज्म है वस्तुवाद है एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन इज नथिंग इफ इट डज नॉट थिंक एट एवरी स्टेप ऑफ द ट्रैम ऑफ मटेरियल सिविलाइजेशन मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है अगर उससे वस्तुवाद मटेरियल मटेरियलिस्टिक एटीट्यूड हटा दीजिए तो वो कुछ नहीं है उसका सार वही है कि सुख सुविधाओं को प्राप्त करो और जीवन में शांति का अनुभव करो इट इज अननेसेसरी इफ नॉट यूजलेस टू वे द मेरिट्स ऑफ द टू सिविलाइजेशन it is likely that the west has evolved a civilization suited to its climate and surroundings and similarly we have a civilization suited to our conditions and both are good in their own respective spheres ye paschim walon ne ne khud ke layak खुद के, के वातावरण वर्ण में वहाँ के एस्टमोसफियर में जो संभव था वैसी सभ्यता वहाँ विकसित हुई हमारे यहाँ जो संभव था वो हमारे यहाँ विकसित हुई द डिस्टिंगशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज एन इनडिफिनिट मल्टीसिपिलिटी ऑफ ह्यूमन वांस ये डिस्टिंगशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स जो खास विशेषता है मॉडर्न सिविलाइजेशन की वह यह है कि इनडिफिनिट मल्टीप्लिस मल्टीप्लिसिटी और नियंत्रित इच्छाएँ हैं जो मनुष्य की मुख्य पहचान हैं द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन इज एन इम्पेरेटिव एन इम्पेरेटिव रेस्ट्रिक्शन अपॉन एंड स्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग ऑफ दीज वांड्स और द करेक्ट आज के इस सभ्यता की प्राचीन सभ्यता की जो भारत की है उसकी मुख्य पहचान यह है कि इम्पेरेटिव रेस्ट्रिक्शन नियंत्रण होना चाहिए रिस्ट्रिक्ट होना चाहिए रेगुलेशन बनना चाहिए इसके लिए अपनी ज़रूरतों को कहाँ तक कहाँ तक किस हद तक संतुष्ट करें नियंत्रित करें इस पर विचार करने की ज़रूरत है पश्चिम सभ्यता खुलेपन की बात करती है हमारी सभ्यता नियंत्रण की बात करती है द मॉडर्न और वेस्टर्न इंसर्टी मॉडर्न इंसर्टिबल्नेस एराइजेज रियली फ्रॉम वांट ऑफ लिविंग फेथ इन ए फ्यूचर स्टेट एंड देयर फॉर ऑल्सो इन डिफिनीटी द मॉडर्न ऑफ और वेस्टर्न इनसर्टिबल्नेस ये जो पश्चिमी असंतोष है वो कहाँ से शुरू होता है तो ये होता है कि लिविंग फ्रॉम वांट ऑफ लिविंग फेथ इन फ्यूचर स्टेट एंड देयरफॉल ऑल्सो इन डिविनिटी वो भविष्य में विश्वास नहीं है ईश्वरत्व में विश्वास नहीं है इसलिए लगता है कि मटेरियल थिंग जमा कर लेंगे उसी से हमारी महानता आंकी जाएगी द रिस्ट्रेंट ऑफ एंशियंट और वेस्टर्न सिविलाइजेशन राइजेज फ्रॉम बिलीफ ऑफ एन इन स्पाइट ऑफ आवर सेल्फ इन ए फ्यूचर स्टेट एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ ए डिवाइन पावर और भारतीय सभ्यता क्या है पूर्वी संस्कृति वो ईश्वरत्व में विश्वास करती है इसलिए आत्मनियंत्रण को स्वीकार करती है सम ऑफ द इमेजिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन आर टू मैडनिंग और टू रेसिस्ट और बहुत सारी बातें तो ऐसी हैं जो इंसान को पागल बना देती हैं वो कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं बट आई हैव नो मैनर ऑफ डाउट दैट द विक्ट्री ऑफ मैन लाइज इन द इन दैट रेसिस्टेंस वी आर इन डेंजर ऑफ बैटरिंग अवे द परमानेंट गुड फॉर ए मॉनिटरी प्लीजर पश्चिमी सभ्यता का मतलब क्या है कि हम लोग शाश्वत मूल्यों को निराम करने पर तुले हुए हैं क्षणिक सुख के लिए जस्ट एज इन देस्ट दे हैव मेड वंडरफुल डिस्कवरीज इन थिंग्स मटेरियल सिमिलरली हिंदुइज़्म हैज़ मेड स्टील मोर मार्वेलस डिस्कवरीज इन थिंग्स ऑफ रिलीजन ऑफ द स्पिरिट ऑफ द सोल हिंदुइज़म ने बहुत कुछ आत्मा की खोज के संबंध में प्राप्त किया है but we have no eye for these great and fine discoveries we are dazzled by the material progress that western science has made हम लोग अपने अंदर जो खोज किए हुए हैं हमारी सभ्यता में हम लोग उसको आज कुछ कम आंकते हैं और पश्चिमी सभ्यता के विकास के चकाचौंध में खोए जा रहे हैं आई एम नॉट इन मोड ऑफ द प्रोग्रेस इन फैक्ट मैं उस प्रोग्रेस से आकर्षित बिल्कुल नहीं हूँ In fact, इट ऑलमोस्ट सीम्स एज दो गॉड इन हिज विजडम हैज प्रिवेंटेड इंडिया फ्रॉम प्रोग्रेसिंग along दोज lines. मुझे लगता है कि भगवान ने भारत को उस तरह के विकास से वंचित करने की आज्ञा दी है इसीलिए यहाँ विकास मशीनीकरण के साथ उस रूप में नहीं हुआ जैसा कि पश्चिम में हुआ सो दैट इट माइट फुलफिल इट्स स्पेशल मिशन ऑफ रेसिस्टिंग द अनरश ऑफ मटेरियलिज्म ताकि यह वो उपभोक्तावाद मटेरियलिज्म के दौर में कि दौड़ में समाप्त होने से शेष रह जाए बच जाए सेवेंटीन लाइन नंबर आफ्टर ऑल दे आर इज समथिंग दे आर इज समथिंग इन हिंदुइज़्म दैट हैज़ केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ हिंदुइज़म में बहुत कुछ ऐसा है जिसके चलते आज वो कायम है इट हैज़ वीटनेस द फॉलो अपन सीरियन पर्शियन एन इजिप्शियन सिविलाइजेशन कास्ट लुक अराउंड यू वेयर इज रोम एंड वेयर इज ग्रीस आप देखिए बेबिलोनियन सीरियन परसियन इजिप्शियन सिविलाइजेशन में कास्ट लुक अराउंड यू उन पर देखिए ध्यान ध्यान से वेयर इज रोम एंड वेयर इज ग्रीस आज कहाँ है रोम आज कहाँ है ग्रीस कैन यू फाइंड टूडे एनी वेयर द इटली ऑफ गिबन गिबन का इटली इटली कहीं मिलेगा आपको आज और वेदर द एंशियट रोम क्या एंशियंट रोम को भी पा सकते हैं आप फॉर रोम वॉज इटली गो टू ग्रीस वेयर इज द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन जाइए ग्रीस से पूछिए कि वो वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन आज कहाँ है देन कमिंग टू इंडिया लेट वन गो थ्रू द मोस्ट एंशियंट रिकॉर्ड्स एंड देन लुक अराउंड यू यू वुड बी कंसिडर ए कंस्टेंट टू से आई सी ही एंशियंट इंडिया स्टिल लिविंग आज आप थोड़ा सा अध्ययन करेंगे तो भारत के गाँव में जाइए कहीं भी जाइए आपको मिलेगा ये रही भारत की प्राचीन सभ्यता ट्रू दे आर वेयर डंग हिप्स तो सही है कि भारत में गोबर के ढेर भी मिलते हैं पशुपालन होता है और व्यवस्था है देहातीपन है पिछड़ापन है हेयर एंड देयर बट देयर आर रिच ट्रेजर्स बरीड अंडर देम लेकिन उनके पीछे ज्ञान का बहुत बड़ा खजाना कोष छुपा हुआ है एंड द रीजन व्हाई इट हैज सर्वाइव्ड इज दैट द एंड विच हिंदुइज़्म सेट बिफोर इट वाज नॉट डेवलप्ड डेवलपमेंट अलॉन्ग मटेरियल बट स्पिरिचुअल लाइन हिंदुइज़्म मटेरियल लाइन पर नहीं बढ़ा यह स्पिरिचुअल लाइन पर बढ़ा आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ने का प्रयास किया कहीं न कहीं मनुष्यत्व में इसका विश्वास था आवर सिविलाइजेशन आवर कल्चर आवर स्वराज डिपेंड नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स सेल्फ इंटेलिजेंस बट अपॉन रेस्ट्रिक्टिंग वांट्स सेल्फ डिनाइल यह समझना चाहिए कि बापू बोले स्वराज का मतलब कल्चर और सभ्यता का मतलब यह है कि सेल्फ इंटेलिजेंस अपने आप को उसमें डुबा देना नहीं है बट अपॉन रिस्ट्रिक्टिंग वांट्स अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना है सेल्फ डिनायल अपनी इच्छाओं के आग में जल जाने की जरूरत नहीं है सेल्फ डिनायल है अपने नीड को कंट्रोल करना है सेल्फ डिनायल मीन्स कंट्रोलिंग ऑफ नीड्स सेल्फ इंटेलिजेंस मीन्स एक्सेप्टेंस ऑफ वेस्टर्न कल्चर यूरोपियन सिविलाइजेशन इज नो डाउट शूटेड फॉर द यूरोपियंस बट इट विल मीन रू इन फॉर इंडिया इफ वी इंडिवर टू कॉपी इट यूरोपियन सिविलाइजेशन क्या है नो डाउट शूटेड फॉर द यूरोपियन यूरोपियन को सूट करता है लेकिन हम लोगों के लिए उसको कॉपी करने का मतलब नष्ट हो जाना है दिस इज नॉट टू सेट वी नॉट एडोप्ट वी मे नॉट एडॉप्ट एंड एसीमिलेट व्हाट एवर मे बी गुड एंड वेबुल ऑफ एसीमलेसन बाई यस इसका मतलब ये नहीं है कि जो अच्छाई कहीं मिले हमसे हट के तो उसको स्वीकार ना करें एज इट डज नॉट मीन ऑल्सो मीन दैट इवेन द यूरोपियंस विल नॉट हैव टू पार्ट विथ व्हाट एवर एविल माइट हैव क्रेप्ट इन टू इट इसका मतलब ये भी नहीं है कि पश्चिम पश्चिम में भी जो बुराई है उससे उनको हटने का राइट नहीं है द इंसेसेंट सर्च फॉर मेटेरियल कम्फर्ट्स एंड देयर मल्टीप्लीकेशन इज सच एंड एविल एंड आई मेक बोल टू से That the Europeans themselves will have to remodel their outlook if they are not to perish under the weight of the comforts to which they are becoming slaves. आज मैं यह भी कहता हूँ कि यूरोपियन को भी अगर अपने सभ्यता को बचाना है तो उन्हें अपने अटीट्यूड में परिवर्तन लाना पड़ेगा। It may be that my reading is wrong, but I know that for India. टू रन आफ्टर द गोल्डन फ्लिस ई टू कोर्ट सर्ट एंड डेथ लेकिन पश्चिमी सभ्यता के चमक दमक के पीछे भागने का मतलब अपने आप को बर्बाद करना है लेटेस्ट इनग्रेव ऑन आवर हार्ट दैट मोटो ऑफ ए वेस्टर्न फिलोसफर हम पश्चिम के महान विद्वान की उक्ति को हाईलाइट करेंगे कि प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग प्लेन लिविंग होना चाहिए सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग थिंकिंग ऊँचा हो टुडे इट इज सर्टेन दैट द मिलियंस कैन नॉट हैव हाई लिविंग एंड विद अ फ्यू हु प्रोसेस प्रोफेस टू डू द थिंकिंग फॉर द मासेज रन द रिस्क इन अ एवेन सर्च आफ्टर हाई लिविंग ऑफ मिसिंग हाई थिंकिंग और हाई थिंकिंग होगा तो हाई लो लिविंग होगा तभी हाई थिंकिंग होगा लेकिन हाई लिविंग होकर के हाई थिंकिंग हो ये बड़ा मुश्किल काम है सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म रियल सेंस जो क्या है सिविलाइजेशन का दैट इज कंसिस्ट नॉट इन द मल्टीप्लीकेशन बट इन द डेलीबरेट एंड वॉलंटरी रेस्ट्रिक्शन ऑफ वांट्स ये इच्छाओं के को बढ़ाने में नहीं उनको नियंत्रित करने में है दिस अलोन इंक्रीजेज एंड प्रोमोट्स कंटेंटमेंट एंड रियल हैप्पीनेस एंड कैपेसिटी फॉर सर्विस इससे आदमी के अंदर आत्मसंतोष जीवन में खुशियाँ वास्तविक खुशी हैप्पीनेस रियल हैप्पीनेस एंड कैपेसिटी फॉर सर्विस और सेवा करने की क्षमता का विकास होता है ए सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मनी एंड एंडकम्फर्ट इज नेसेसरी बट एबव ए सर्टेन लेवल इट बिकम्स ए हिंड्रेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्प आराम शारीरिक सुख सुविधा का ख्याल कुछ हद तक हेल्पफुल है लेकिन बहुत मात्रा में हो जाने पर यह हेल्पिंग के बदले में डिस्टर्बिंग डिस्टर्बिंग हो जाता है हिंड्रेंस हो जाता है बाधा बन जाती है देआर फॉर द आइडियल ऑफ क्रिएटिंग एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ वन सन सेटिसफाइंग देम सिम्स टू बी ए डिल्यूजन एंड ए स्नेयर तो इस प्रकार से सभी इच्छाओं को हम संतुष्ट कर देंगे यह भ्रम के अलावा कुछ नहीं है द सेटिस्फैक्शन ऑफ वंस फिजिकल नीड्स इवन द इंटेलेक्चुअल नीड्स ऑफ वंस नैरोल्फ यहाँ तक तो कि बौद्धिकता की भी सोच अगर गंदी हो तो छिछली हो मस्ट मीट एट ए सर्टेन पॉइंट डेड स्टॉप उसको रुकना ही चाहिए बिफोर इट डिजेनरेट्स इनटू फिजिकल इंटेलेक्चुअल वॉलुपसनेस नहीं तो यह शारीरिक और बौद्धिक रूप से भ्रष्टाचार ही पैदा करेगा स्वार्थ से भरा हुआ बौद्धिकता भी स्वार्थ से भरी हुई बौद्धिकता भी भ्रष्टाचार ही पैदा करती है ए मैन मस्ट अरेंज हिज फिजिकल एंड कल्चरल सर्कुमस्टांसेज सो दैट दे डू नॉट हिंडर हिम इन हिज सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी मनुष्य की सभ्यता उसके उसका शारीरिक और सांस्कृतिक विकास इस प्रकार से डेवलप हो कि मानवता की सेवा में कोई पैदा कोई बाधा पैदा ना हो ऑन विच ऑल हिज एनर्जीज शुड बी कंसेंट्रेटेड क्योंकि मनुष्य का एम मनुष्य की सेवा होनी चाहिए ये सर्विस टू ह्यूमन बींग्स सो ये हम लोगों ने इसमें देखा हाउ ग्रेट गांधी जीवाज उन्होंने बोला था कि आत्मनियंत्रण सेल्फ कंट्रोल सेल्फ कंट्रोल ऑफ विल विल डिजायर्स डिजायर्स मस्ट बी लिमिटेड मस्ट बी कंट्रोल वाइजली वी शुड नॉट फॉलो वेस्टर्न कल्चर ब्लाइंडली अदरवाइज इट विल डिस्ट्रॉयस इट वुड एंड आवर सिविलाइजेशन सो दिस इज चैप्टर नंबर वन आई थिंक यू हैव अंडरस्टोड फॉर क्वेश्चन आंसर आई विल मेक ए नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो सो प्लीज़ सब्सक्राइब और इसको देखिए सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए